छत्तीसगढ़ विधानसभा में वैशाली नगर विधायक राकेश सेन ने छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों और शहरों में पिछले कुछ वर्षों में नीति नियमों को दरकिनार कर ओयो को दी गई परमिशन और इन होटलों में हो रहे अनैतिक कार्यों पर कड़े अंकुश लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार ओयो द्वारा बुक किए गए रूम से जुड़ी वारदातों और अन्य कमरों में अवैध गतिविधियों की खबरें सामने आ रही है। लोगों का मानना है कि ओयो अब एक संदिग्ध रणनीति पर कार्य कर रहा है जो कि भारतीय संस्कृति पर सीधा कुठाराघात भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत प्रश्न हो गए, एक चिंता और माननीय मंत्री जी को करनी चाहिए इस विषय पे। सरकार, इस पिछले सरकार में बिना अनुमति के, बिना राज्य शासन के कई जगह ओयो सेंटर का संचालन किया जा रहा था। कोई ऐसा भी चीज बिना राज्य शासन के अनुमति के चल रहा था पिछले शासन कार्यकाल में, तो इसकी चिंता करना भी आवश्यक है कि कोई भी बिना अनुमति के अगर ये चल रहा था तो उस पर रोक लगाने का भी काम करना पड़ेगा। ओयो सेंटर, जितने पर्यटन स्थल है, जितने हमने सजा के दिया था हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में, आदरणीय नेताजी, 5 साल में, पिछले 5 साल में पूरे गंदगी मचाने का काम किया गया है, कबाड़ करने का काम किया गया है और इलीगल काम उस सभी पर्यटन स्थल में पिछले 5 साल में हुए हैं। तो ये ओयो सेंटर किसके माध्यम से चलाए जा रहे थे सभी पर्यटन स्थलों, ये भी जांच का विषय है। और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओयो सेंटर को लेके आप गंभीरता से जो है इसकी जांच करने की आवश्यकता है और इस सरकार में ऐसा कोई भी ओयो सेंटर संचालित ना हो, इसके लिए भी जो है आवश्यक है।